8 से 10 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर बॉडी को एक्लिमेट करना पड़ता है। और ये एक अच्छा तरीका है बॉडी को एक्लिमेट करने का कि धीरे धीरे आप मैं आपको अपने फ्लाइट के टिकट तो बताने भूल गया, कितने रुपए मैंने बुक करे थे। आज है 26 जनवरी और मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 पर। यहाँ से मेरा टिकट है लेके, तो मैं जा रहा हूँ लेह और लद्दाख को एक्सप्लोर करने। जनवरी का महीना है, बहुत ठंड है, यहाँ पर है +15 to 20 और वहाँ पर है -15 to 20 डिग्री सेल्सियस। तो बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ, एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में भी पिछली ट्रिप की तरह, जैसे जैसलमेर में हमने किया था। और ये मेरे फ्लाइट का जो गेट नंबर आ रहा है, इस पर आ रहा है 2B से मैं अंदर एंट्री करूँगा। उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि फ्लाइट तक ये बसेस कैसे कनेक्ट कराती हैं पैसेंजर को। ये अपनी स्पाइस जेट की बस है, छोड़ेगी मैं प्लेन के पास। और ये है अपना स्पाइस जेट जहाज, जिससे मैं जा रहा हूँ लेकिन दिखाता हूँ बाद में बाकी आप। आपातकालीन स्थिति में अपने सामान की परवाह ना करें और सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी हो सके एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करें। अधिक जानकारी के लिए आपकी सीट पॉकेट में रखे सुरक्षा नियम कार्ड को। उधर गया हूँ ले एयरपोर्ट पर और अभी टाइम हो रहा है 7:30, टेम्परेचर है -14 डिग्री। अभी मैं एयरपोर्ट पर
मतलब लैंड होने के बाद, जहाज से निकलने के बाद मैं एयरपोर्ट पर शूट कर रहा था, तो फौजी अंकल ने एक इशारे से मना कर दिया कि नहीं, यहाँ परमिशन नहीं है शूट करने की, तो इसलिए मैंने वहाँ पर कैमरा बंद कर लिया। बात अधूरी रह गई थी, इसको मैं पूरी करता हूँ। यहाँ पर मैं पहुँच गया लद्दाख, ओ सॉरी हिले, और यहाँ पर टेम्परेचर है -14 डिग्री। दिल्ली में था +14, 15 और दिन में जाता है 20 तक, लेकिन यहाँ पर उतरने के बाद कुल्फी जम गई बिल्कुल। मैंने फ़ौरन से जैकेट अपना टॉपों पर निकाला और सारा पैक हो गया। मैं जिस हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, हाथ भी सुन्न हो रहा है मेरा, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। मैंने पैदल पैदल का रास्ता चूज़ किया इसलिए ताकि आपसे बातें कर सकूँ और देख सकूँ कि यहाँ के सड़कों के आजू बाजू क्या होता है। फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, रोड खाली है, मौसम बहुत अच्छा है और अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। अभी 3 किलोमीटर दूर है मेरा होटल, मेरे जहाँ मैं हूँ उस जगह से 3 किलोमीटर दूर है, और रास्ते में एक दो क्लिप और रिकॉर्ड करूँगा, दिखाता रहूँगा आपको अपना ये एडवेंचर, क्योंकि मैंने प्रॉमिस करा है कि एडवेंचर करने की मैं कोशिश करूँगा इसमें, तो अगर एडवेंचर ही नहीं हुआ तो फिर बेकार है। और अब मेरी उंगली जिस हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है बिल्कुल सुन हो गई है, तो इसलिए मैं इस रिकॉर्डिंग को करता हूँ अभी बंद, वापस से फिर चालू करूँगा बाद में। 10 से 15 मिनट हो गए चलते चलते, और मैंने आज टैक्सी जानकर नहीं ली। वैसे अमूमन टैक्सी लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्टेशन के पास ही बुक कर होटल अपना बुक कर लेता हूँ। और ये है कुछ ऐसा, मेरे पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा है। सोलो ट्रैवलिंग करने का अपना अलग ही एडवेंचर है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे अकेले घूमने के बराबर कभी मैंने एंजॉय नहीं किया अपने घूमने फिरने में। ये है कुछ रास्ते के सामने के नज़ारे, बहुत ऑसम व्यू है। ये जैकेट मैंने ले के टिकट बुक करने के बाद टिकट लोन से परचेज़ की थी। टिकट लोन वालों ने इसको -10 डिग्री का क्लेम किया हुआ है, लेकिन -14 डिग्री है भी यहाँ पर, और ये बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसने अपना पूरा काम कर दिया, मतलब पैसे वसूल हो गए इसके। तो बाकी आगे देखता हूँ -20 में काम करती है कि नहीं करती। लिटरली मुझे इसमें पसीना भी आ रहा है, मैं दिखाऊँ आपको। जो बॉडी पार्ट्स मेरे जैकेट के बाहर हैं वो तो मेरे सुन हो रहे हैं, लेकिन जैकेट में पसीना आ रहा है, बहुत अच्छे से काम किया है इसने। आज मेरे पास ना तो नेट है, ना होटल जाने के लिए कोई डायरेक्शन है, बस घर पे देख लिया था कि होटल लेह में कहीं 1 किलोमीटर आसपास है, होटल का नाम पता है, बाकी मैं चलता जा रहा हूँ, देखो कितने देर में मिलता है मुझे मेरा होटल। आज पहली बार मेरे साथ ऐसा होगा कि मेरे पास नेट भी नहीं है। खैर, इसका भी अलग अपना एक्सपीरियंस होगा। और एयरपोर्ट से लेह सिटी के अंदर तक का रास्ता करीब 3 किलोमीटर है। मैंने पैदल का सफ़र इसलिए भी तय किया क्योंकि यहाँ पर एक्लिमेट होना पड़ता है, सी लेवल से बहुत ऊंचाई पर है, करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर बॉडी को एक्लिमेट करना पड़ता है। और ये एक अच्छा तरीका है बॉडी को एक्लिमेट करने का कि धीरे धीरे आप पैदल चल के लेह की तरफ जाएँ, इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी एक्लिमेट हो जाएगी। जो भाई एक्लिमेट का मतलब नहीं समझते, मैं उनको समझा दूँ। एक्लिमेट का मतलब होता है कि यहाँ के वातावरण के हिसाब से अपनी बॉडी को ढालना, क्योंकि सी लेवल से जितनी ऊँचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बॉडी थोड़ी परेशानी करती है, दिक्कत करती है, मतलब उसको एक्लिमेट करना ही पड़ता है यहाँ आने के बाद। अब होगी लेह के अंदर एंट्री, वेलकम टू लेह। सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ ही पहाड़ हैं। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अलग एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने इतनी खूबसूरती नहीं देखी। लेह सिटी में एंट्री करने के बाद थोड़ी सी दूर पर पड़ता है ये हॉस्पिटल, इसका नाम है सोनम नोबरू मेमोरियल हॉस्पिटल, और बाकी तो पूरी मार्केट है यहाँ पर अच्छी खासी। जनवरी के महीने में ले आ रहे हो तो अपना कपड़ों का इंतजाम ठीक ठाक करके लाना, ग्लव्स भी हैवी वाले और जूते ऐसे हों कि जिनमें हवा पार ना हो। इस वक्त मैंने बूट पहने हुए लेदर के, लेकिन उंगलियां सुन हो रही हैं,
और 5 मिनट के लिए मैं कैमरा हाथ में पकड़ता हूँ तो हाथ की उंगली ऐसी हो जाती है कि जैसे कटने वाली है, इनका खून जाम हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए आप अपने पूरे इंतज़ाम से आए, और सनलाइट काफ़ी तेज़ हो गई है अभी। ओह सॉरी, मैं आपको अपने फ़्लाइट के टिकट तो बताने भूल गया, कितने रुपए मैंने बुक करे थे। तो मेरी दिल्ली से ले की फ़्लाइट थी, और मैंने रिटर्न टिकट बुक किए हैं दिल्ली से ले स्पाइस जेट, और ले से दिल्ली गो एयर एयरलाइंस के साथ मैं जाऊंगा। और ये मेरे दोनों रिटर्न टिकट विंडो सीट के साथ में 4250 रुपये की हुई थी, जो कि बहुत अच्छे रेटों पर मुझे मिल गई। आप भी आ रहे हैं तो मैंने इसके लिए एक वेबसाइट का यूज़ किया था। अगर आप भी आ रहे हैं तो पहले आप उस पर जाकर टिकट चेक कर सकते हैं, उसमें चीपेस्ट टिकट आते हैं हमेशा। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, उस वेबसाइट का नाम है स्काई स्कैनर, वहाँ पर आप डील चेक करके आ सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी डील उस पर चलती रहती है, उसी से मैंने इसको बुक किया था। और मैं फिर आ गया सीधा ले, और एक्सप्लोर करते हैं ऐसे अपने तरीके से। सबका अपना अपना तरीका होता है ना एक्सप्लोर करने का, तो इसे हम अपने तरीके से एक्सप्लोर करते हैं कैसा करा जाएगा। ये पहाड़ियों के ऊपर मकान बने हुए हैं, होटल हैं, कुछ मकान हैं, कुछ दुकानें हैं। अलग ही व्यू है, मतलब बहुत बेहतरीन, मज़ा आ गया देख के। होटल है और अगले 4-5 दिन का स्टे मेरा इसी में है। आज के ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। हाँ, इस होटल के रेट बताता हूँ मैंने, 500 रुपये पर डे के हिसाब से मैंने इसको बुक किया है, और ये बहुत अच्छा होटल है अंदर से देखने पे। बैटरी मोबाइल की ख़त्म हो गई, आज के ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे फिनिश। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी जर्नी को फॉलो करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।